शिक्षा मंत्री जी खुद मैट्रिक फेल हैं, मतलब आपका मैट्रिक पास है, इंटर फेल हैं। और रही बात है कि हम लोग जो है अगर पीएचडी करके कोई भाई, अगर आपका जो है कि पीजी और बीएड करके कोई जो लाइब्रेरियन करके कोई कंप्यूटर साइंस से जो है कि हम रोड पर चलने को मजबूर हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग शिक्षा मंत्री के घर के पास जा करके अपना सारा डिग्री जलाना प्रारंभ कर देंगे और उनका जवाबदेही शिक्षा मंत्री जी को होगा स्पष्ट। हम आपके माध्यम से बता दे रहा हूँ, धन्यवाद। झारखंड में 10+2 स्कूल में झारखंड राज्य गठित होने के बाद से राजनीति, विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, कंप्यूटर साइंस, उर्दू आदि विषय की शिक्षक नियुक्ति नहीं किया गया है। इन विषयों में लगभग 4 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की संख्या शून्य है, जिसे लेकर रांची में धरना दिया जा रहा है। धरना के समर्थन में युवाओं की टोली पैदल मार्च कर रांची भवन निकले हैं। चतरा कॉलेज चतरा से राजभवन तक संवैधानिक रूप से शांतिपूर्ण पैदल मार्च मंगलवार से शुरू हुआ। पैदल मार्च में उदय कुमार, ईश्वर कुमार, कृष्णा बैठा, जितेंद्र कुमार, अमित कुमार, रंजन कुमार, आशीष कुमार सिंह, अभिमन्यु प्रजापति, रंजीत कुमार, श्रवण कुमार सहित 30 लोग पैदल रांची के लिए निकले हैं। इसका नेतृत्व उदय मेहता कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त 10+2 शिक्षक प्रतिभागी संघ के अभ्यर्थियों द्वारा 22 जून 2022 से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही है, जिसे लेकर आज चतरा से रांची के लिए पैदल मार्च शुरू किया गया है। जी नमस्कार। हम लोग जो है कि झारखंड प्लस टू बहाली के लिए करके आंदोलन थे, और मैं आपको बता दूं कि आज से झारखंड में जब से आपका जब से 4 बहाली प्लस टू का लिया गया है, लेकिन 4 बार में आज तक राजनीति विज्ञान विभाग, दर्शन शास्त्र विभाग, समाज शास्त्र, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, ऐसे विभिन्न विषय हैं जिनको आज तक बहाली नहीं लिया गया है। तो हम लोग जो है कि पहले सभी से स्पष्ट रूप से जितने साथी हमारे सहयोग में आए उनसे मैं अपील किया हूँ, आप लोग से भी अपील करता हूँ, और आपके माध्यम से सरकार से मैं एक ही प्रश्न करता हूँ कि आप हमको बताएंगे कि वर्तमान समय में जो आर्ट्स में रिजल्ट दिया गया, आर्ट्स में जो 97.4 रिजल्ट दिया गया, अगर इन विषयों में अगर शिक्षक नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में अगर शिक्षक नहीं है, समाजशास्त्र में अगर शिक्षक नहीं है, तो इनका कॉपी जांच कौन किया था? कि अगर इनसे मतलब आखिर छात्रों का कॉपी जांच कौन किया, शिक्षा मंत्री ये जवाब दे। दूसरी चीज, स्पष्ट रूप से हम ये जानना चाहते हैं कि जो लगभग आरटीआई का जो आंकड़ा है, आपका आरटीआई से झारखंड काउंसिल एकेडमी जो का आंकड़ा है 2017 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में 1,37,000 छात्र थे, और बाकी विषय में अलग अलग आंकड़ा है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो है कि आपका अगर अब भी वर्तमान समय में लगभग 2 लाख छात्र हैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में, अगर 2 लाख छात्र हैं और शिक्षकों की संख्या अगर शून्य है, तो अगर शिक्षकों की संख्या शून्य है तो वर्तमान समय में इनको पढ़ा कौन रहा है भैया? अगर मैं शिक्षा मंत्री से यही मांग कर रहा हूं कि अगर इसमें शिक्षक बहाली अगर नहीं देते हैं तो ये विभाग, इस विभाग को बंद कर दें। छात्रों के भाष भेष के साथ खेलने का अधिकार शिक्षा मंत्री को नहीं दिया गया है, वर्तमान सरकार को नहीं दिया गया है, ये जो है कि छात्रों के भेष के साथ नहीं खेले, चाहे जो हो, मैं पक्ष को विपक्ष को मैं सबसे नम्र निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि हमारे आंदोलन में समर्थन करें, हमारा सहयोग करें। हमारा मकसद विरोध करना नहीं है, हमारा मकसद यही है, जो साथी बीएड के सभी साथी हैं, बीएड और पीजी किए हुए यहाँ साथी हैं, इन लोग सभी साथियों को जो है कि सिर्फ और सिर्फ बहाली में आपको बैठने का मौका दे दिया जाए, एग्ज़ाम लिखने का मौका दे दिया जाए, और हमारे विषय को आगामी प्लस टू बहाली में शामिल किया जाए। इन्हीं विषय को लेकर के मैं आंदोलन, कितने लोग पैदल मार्च में जा रहे हैं? हम लोग पैदल मार्च में आपका राज्यपाल को हम लोग आवेदन दिए हैं, विज्ञप्ति वहाँ आदेश लिए हैं, हम लोग यहाँ से 30 लोग का हम लोग का आदेश लिया हुआ है, और 30 लोग जाएंगे। अभी साथी जो है कि 15 से 17 साथी हमारे पास हैं, बाकी गिधौर, कटकम सांडी और हजारीबाग होते हुए सारे बैकअप हमको कर लेंगे। मेरा नाम उदय मेहता हुआ और प्लस टू शिक्षक संघ प्रतिभागी संघ है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। क्या लगता है आपकी मांग पूरी होगी? जी सर, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन का और रुख अपनाएंगे। 20 दिन से अनिश्चितकालीन चल रहा है, अभी हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, वहीं नहीं होगा तो भैया स्वरोजगार के तरीके से बेचेंगे जाकर के, मुर्गा चंगड़ा सब बेचेंगे वहीं। लाइब्रेरियन की भी बहाली नहीं हो रही। जी, स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि हमारे साथ एक साथी हैं जो कंप्यूटर साइंस से हैं, और यहाँ लाइब्रेरियन की, आखिर मान लीजिए लाइब्रेरियन की बात की जा रही है, अगर ऐसे ऐसे कई डिग्रियाँ हैं
सर मैं बताता हूँ कि मैं अगर शोधार्थी हूँ, पीएचडी करके मैं आपके अगर रोल में पहले के लिए चलने के लिए मजबूर हूँ, मैं ऐसे ऐसे कई डिग्रियाँ हैं, बीएड किए हुए, पीजी किए हुए, और स्पष्ट रूप से ये कई डिग्रियाँ हैं शिक्षा मंत्री, तो मतलब मैं इन लोगों को बोलता नहीं हूँ लेकिन बोलता हूँ तो लगता है चिड़, शिक्षा मंत्री जी खुद मैट्रिक फेल हैं, मतलब आपका मैट्रिक पास है, इंटर फेल हैं। और रही बात है कि हम लोग जो है अगर पीएचडी करके कोई भाई, अगर आपका जो है कि पीजी और बीएड करके कोई जो लाइब्रेरियन करके कोई कंप्यूटर साइंस से जो है कि हम रोड पर चलने को मजबूर हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग शिक्षा मंत्री के घर के पास जा करके अपना सारा डिग्री जलाना प्रारंभ कर देंगे और उनका जवाबदेही शिक्षा मंत्री जी को होगा, स्पष्ट हम आपके माध्यम से बता दे रहा हूँ। धन्यवाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज मांग।